नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। दुनिया भर के वैज्ञानिक बीमारी की तोड़ के लिए टीके की जांच कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को बचाने में मदद की जा सके। हालांकि अभी तक इस बीमारी के नुकसान को कम करने के लिए कोई चमत्कारी उपाय नहीं मिला है, लेकिन तमाम वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से घरेलू उपचार हैं जो गैर सैद्धांतिक हैं और बिना मंजूरी के लोगों की मदद करने का दावा कर रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 2 परिवार के 10 सदस्यों ने बीमारी से सेफ रहने के लिए धतूरे के बीज से बने रस का सेवन किया, जिसके बाद सभी की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खबर से सीख मिलती है कि हमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी वीडियो के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बता दें कि इस तरह के और भी बहुत से तरीके हैं जिन्हें लोग सच मानकर अपना रहे हैं, जबकि ये सिर्फ आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए आप भी यदि घर पर किसी तरह के उपचार कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। खुद से किसी बात पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें और उसको उपचार के लिए प्रयोग में ना लाएं। क्लोरोक्विन फास्फेट के रूप में भी जाने जाने वाली एक एंटी मलेरिया दवा को चीन और फ्रांस में बीमारी से पीड़ित लोगों पर प्रयोग करने की कोशिश की गई है, लेकिन शोधकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह आपकी बीमारी से बचाव करने में मदद कर सकती है। सिल्वर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में सिल्वर के छोटे छोटे छींटों वाला एक तरल पदार्थ होता है, जिसे आप डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में खरीद सकते हैं, लेकिन यह आपको बीमारी से नहीं बचाता है। वास्तव में ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ब्लीच किट, इस सॉल्यूशन को अक्सर चमत्कारी मिनरल सॉल्यूशन कहा जाता है और इस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को नींबू के रस जैसे एसिड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। वायरल हुई खबरों में था कि इसके सेवन से आप बीमारी से बचे रह सकते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक खतरनाक उत्पाद है जिसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। शरीर पर क्लोरीन और अल्कोहल डाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्लोरीन और अल्कोहल बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, सतहों को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी होता है, लेकिन अगर आपके शरीर में बीमारी है और आप पहले से बीमार हैं, तो इसके सेवन से आप नहीं बच पाएंगे। यूवी उपचार, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हाई डोज का उपयोग बीमारी को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उपयोग लोगों पर किया जाना चाहिए।